नवीन पटेल। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज भारत तथा विश्व में कोयला, गैस, थर्मल जैसे परंपरागत बिजली उत्पादन ईंधनों की कमी है और तंगी भी है, और ये संकट जब पूरे भारत में मंडरा रहा है तब गुजरात ने सूर्य एवं पवन ऊर्जा से बिजली शक्ति पैदा करके भविष्य में उनके पीढ़ियों के भविष्य को सुखाकारी की दिशा दी है। केवल 10 वर्ष में गुजरात ने 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन से 18000 मेगावाट का सपना पूरा किया है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा गुजरात सोलर पार्क 600 मेगावाट का एक सहित 10 सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए हैं। उत्तर गुजरात के एक डेजर्ट विस्तार में चारणका में 3000 एकड़ बंजर के जमीन पर ये प्रस्तापित गुजरात सोलर पार्क समग्र एशिया में सबसे बड़ा है, जिसका दिसंबर 2010 में शिलान्यास हुआ था। इसके विकास में गुजरात सरकार सहित 21 देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय सोलर कंपनियां सहभागी रही है। केवल एक वर्ष में विक्रम सर्जक समय में एशिया का 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला यह पार्क कार्यरत किया है। अकेला गुजरात राज्य सोलर पावर में देश का कुल 66% हिस्सा रखता है और समग्र देश में गुजरात सरप्लस स्टेट हो गया है। फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी विकास अर्थ हाल में ₹2000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। यह दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए गुजरात विश्व को वैकल्पिक ऊर्जा तरफ प्रेरित करने का पथदर्शक बना है। गुजरात सरकार के साथ गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके द्वारा कड़ी तालुका गुजरात के चंद्रासन गांव में पास होने वाली नर्मदा योजना ब्रांच केनाल के ऊपर 1.4 किलोमीटर लंबे फोटोवोल्टेइक पैनल बिछाकर 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। मेरी मांग है कि सोलर पावर प्लांट सीमा पर लगाया जाए, जिससे सेना को और सीमावर्ती जो गांव है इनमें सस्ती बिजली भी सुविधा की जाए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं और जानना चाहती हूं कि देश में अन्यथा गुजरात के अद्भुत आविष्कार को अपना हेतु केंद्र सरकार का क्या प्रयास है और क्या करने जा रही है। धन्यवाद।